भी दोना दिल के राज हुआ मुझे, न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो उनकी नहीं उठा रही थी। मेरे पैसे खत्म हो गए, पैसे चाहिए। अनन्या यहाँ आई थी और तूने उसे देखा तक नहीं। रोहित तू सुन नहीं रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। माँ मुझे दारू और सिगरेट भी उधारी में लेनी पड़ रही है। तू जा अंदर से सेफ में से पैसे निकाल के लाओ। शर्म नहीं आती इस उम्र में मुझसे पैसे मांगते हुए? उसकी जिंदगी तूने बर्बाद की और तू ही उसे इग्नोर कर रहा है। हो क्या गया है तुझे रोहित, क्या हो गया है? निकाल ली भड़ास, पैसे घर भिजवा देना। बहुत बार इस वक्त के बारे में सोचा था कि अगर जिंदगी में कहीं किसी मोड़ पर इस आदमी से फिर मुलाकात हो गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन जब वो शख्स जिसने आपको इतना ट्रॉमा दिया वो आपके सामने ऐसे ही अचानक आ जाता है तो सिर्फ सन्नाटा रहता है। यू नो ब्लड फ्लो कहते हैं ना, वो थमसा जाता है, जिस्म रूह दोनों ठंडे पड़ गए। साइंस में कहा जाता है कि जब कोई साइकोलॉजिकल शॉक दिमाग पे पड़े तो बॉडी सबसे पहले हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आदमी इमोशंस को समझ नहीं पाता। चेरी, चेरी प्लीज मुझे पिक कर ले प्लीज यहाँ से। तुम कहाँ पर हो है ना? मैं अपने पुराने वाले घर पे हूँ चेरी। पर वहाँ तो बानी रह रही है ना? I mean, isn't she there for you? मुझे अभी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चेरी। मेरी तबीयत अचानक, I don't think I can drive. प्लीज आ जाए यहाँ। एना, I'll come and pick you up right away. एक एसिड सा रह जाता है बॉडी के अंदर और फिर वही एसिड आप बाहर निकालना चाहते हो, जैसे इमोशंस में ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं हो। कोशिश करता है कि उल्टी के साथ वो सारे पल सारी यादें बाहर निकल जाएं, वो जिंदगी जो हम जी नहीं पाए, वो कोशिशें जो हम कर नहीं पाए, वो गलती की सजा जो हम सालों साल तक अपने आप को देते रहे, और वो इंसान जिसे हम भुला नहीं पाए। बस उसी वक्त मेरे सिस्टम से वो भी निकल जाए, मेंटली इमोशनली सिर्फ मैं रहूं, सिर्फ मैं और कोई नहीं। अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता है पर वो नहीं निकलता जो इंसान निकालना चाहता है, उसे कहते हैं इमोशंस, यादें, रेसिड्यूल अनफिनिश्ड बिजनेस। एक ऐसी बात आप कहना चाहते थे पर अंदर रह गई, एक ऐसा सवाल पूछना चाहते थे जो आप पूछ ना पाए,
एक ऐसा इंसान आप भूलना चाहते थे जो भुला नहीं पाया। इतने दिनों बाद आए हो तो फिर तुम आज रात को क्यों नहीं रुक सकते? समझो ना यार बीबी, मेरा जाना जरूरी है, मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जानी है। दवाइयाँ तो कोई भी लाकर दे सकता है ना, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? उसका फोन आया था, वो कह रही है मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, अब जरूरत है तो जाना पड़ेगा ना मुझे। ओ प्लीज डोंट गिव मी दैट क्रैप, ओके? तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बेटी को नहीं। तुम मुझे इसलिए छोड़ के जा रहे हो ना क्योंकि वहां तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा? एंड व्हाट एम आई टू यू? व्हाट एम आई? एम आई योर डॉटी सीक्रेट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम बानी? और थोड़ा प्लीज फॉर गॉड्स सेक धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है, तुम्हारे नेबर्स क्या सोचेंगे? As if you care. Guess what? मेरे जितने भी नेबर्स हैं ना, उन सबको पता है कि हाँ हर रात को एक आदमी आता है जो सुबह होने से पहले यहाँ से चला जाता है। क्यों? Because I am that fucking your life, जिसे पूरी दुनिया से छुपाना पड़ता है, पर अब और नहीं। You have to take the decision right now. या तो तुम्हारी बीवी या मैं। क्यों कर रही हो बानी ये सब? अभी करना जरूरी है सब, हम कल बात करते हैं इसके बारे में। टेक द डिसीजन राइट नाउ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना, जस्ट आंसर मी, गॉड डैम इट। स्टॉप इट यार, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? आई एम सॉरी बानी, मुझे अभी जाना होगा। टेक केयर। मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जानी है। दवाइयाँ तो कोई भी लाकर दे सकता है ना, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? ये ठीक नहीं हुआ है, ये बात ऐसे आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी रोहित। तुमने तो अभी तक पूनम से बात नहीं की है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? मैंने कहा ना अना, बाली के एग्जाम्स खत्म होते ही बात कर लूंगा। इसलिए छोड़ के जा रहे हो ना क्योंकि वहां तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा? यहां से जाने से पहले मेरे मैसेजेस डिलीट कर देते। एम आई योर डॉटी सीक्रेट? अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, मैं तो यही रह जाती हूँ अकेली। ना तुम यहां कब आए? तुमने कुछ सुना या देखा तो नहीं ना? मैंने कुछ नहीं देखा। जस्ट डोंट आस्क मी इसमें प्लीज, जस्ट डोंट आस्क मी एनीथिंग, प्लीज डोंट आस्क। मैं मायरा हूं, भूलना मत। चल I'll make you forget about Anna. अब तुम ही तो हो
हाय हाय क्या हुआ? आई थ्रू अप यार, बहुत एसिडिटी हो रही है. कोई फ्रूट खा ले, यू फील बेटर? फ्रूट का मन नहीं है. ओके, कुछ है दिखाना है तुझे? कुछ क्या? कबीर के लिए इनवाइट आया है. विच सेज, हेलो माय लिटिल बेबी ब्रदर, ये पहला रक्षाबंधन होगा जब हम साथ होंगे. मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ. ओह दैट्स सो क्यूट, प्लीज आना, मुझे तुम्हारी मुंह दिखाई करनी है. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर सिस्टर निकी. ओके, ऑल्सो आना, मैं यूएस से वापस आ गई हूँ और दादी ने कहा है कि शी विल मेक श्योर कि डैड घर पर ना हो. यार मैं वहां नहीं जाने वाली. इसे कहते हैं मैं घुसकर उंगली करना. अरे यार, बट ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन है, कबीर शुड एक्सपीरियंस ऑल दैट. यार मैं चाहती हूँ कबीर की भी फैमिली हो, मेरी तरह ना रहे. चेरी, क्या हम रक्षाबंधन तेरे घर पे रख सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, वैसे भी मेरे घर में 365 डेज वैलेंटाइन ही सेलिब्रेट होता है. कबीर के साथ साथ मेरा भी पहला रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो जाएगा. या ग्रेट, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. वैसे कल रात में रोहित से मिली. व्हाट? मिली नहीं, सिर्फ देखा उसे फार्म हाउस पे. एंड यार सही बात बताऊं तो जब रोहित और पूनम ने मुझे चीट किया ना, दे टॉट मी वन बिग थिंग इन लाइफ, डिटैचमेंट. अच्छा मूड है. सो रक्षाबंधन यहाँ? यार वैंडी, मुझे लगता है जो भी हुआ है ना, उसे निकी और बानी को सफर नहीं करना चाहिए. कबीर डिजर्व्स दिस रक्षाबंधन. We should celebrate. I think हमें हैरी को भी बुलाना चाहिए. You know, कबीर का ये पहला रक्षाबंधन है. He should be here, right? Okay. क्या? आंटी क्या 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 मुझे? Something personal. Oh. What personal? Okay. Obviously. Ring. Oh my God. किसके लिए? Obviously. मेरी. Oh, Miss. I'm sorry. मिसेस मेहरा के लिए. ये अंगूठी उसे ऐसे ही मत देना. ओके, नहीं लूंगा. कुछ कमिटमेंट तो लेना उससे. आंटी, इससे ना ये रिंग वापस ले लो, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड कम क्रश कम एम्प्लॉई है ना, ये अंगूठी उससे लेगी नहीं. और इसको ना एक डायलॉग जरूर मारेगी, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह. मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा. पागल है. तेरा जन्म मॉम इसका चीप हिंदी फिल्में देखना बंद कर रहा हूं ना, प्लीज. शी गेस व्हाट? शी इज कॉल मी ओवर. फॉर व्हाट ओकेजन? रक्षाबंधन. ये अंगूठी देने जा रहा है, वो इसे राखी ले रही. मैं वहां पे जा रहा हूँ कबीर का फर्स्ट रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने. शी जस्ट वांट्स मी टू होस्ट द पार्टी, दैट्स इट. ला 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 ला. पूनम, तुम्हें ये गाना याद है? हे पूनम, आर यू ओके? ये तुम्हारे सुंदर से चेहरे पे इतनी टेंशन इसलिए तो नहीं है क्योंकि तुम आज अनन्या को मिलने जा रही हो, वो भी इतने सालों के बाद? यू नो, अभी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि रोहित और मेरा कोई जन्मों का रिश्ता है, बट नो, इट्स एक्चुअली अनन्या. उसका और मेरा ये कोई पिछले जन्म का बॉन्ड है. एवरी टाइम वी मीट, वन ऑफ अस हैज चीटेड, दैट टू विद द सेम मैन. अब जो तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मैं जानता हूँ. मेरी बीवी का तभी आता है जब वो स्ट्रेस्ड होती है. सो प्लीज. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. क्या? वेरी स्ट्रेस्ड. व्हाई? व्हाट हैपेंड? अनन्या पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी. कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की है, बट शी इज ऑलवेज अवॉइडेड मी. कितनी बार उसे फ़ोन किया लेकिन कभी उसने फ़ोन नहीं उठाया. एक बार फ़ोन उठाया था तो मैंने इतनी सारी बातें उससे कही और उसने अब्रप्टली बंद कर दिया. शी हंग अप ऑन मी. और जब उससे मिलने की कोशिश की तो इंडिया छोड़कर वो चली गई थी. इट्स ओके. अनन्या अपसेट थी ना, और ये हालात अक्सर आदमियों को बदल देते हैं. तुम तो नहीं बदले, तुमने तो सब कुछ समझ लिया मैच्योरली. बट अनन्या, आई डोंट नो व्हाई शी इज रिएक्टेड इन सच अ डिफरेंट वे. दैट इज बिकॉज ए, वी वर ऑन अ ब्रेक, एंड बी, वो बंदा रोहित, आई मीन उस टाइम पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहा, राइट? उसके बाद भी तुम्हारा नहीं हो पाया, तो एक छोटे से हादसे से क्या वो तुम्हारा हो जाता? अभी गाड़ी रोको. अरे अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा, I'm sorry यार, मतलब I'm just kidding around. Just park the car ना. अच्छा एक मिनट यार. अरे पर पूनम यहाँ बात कर लो ना यार, बाहर क्यों निकल रही हो? रात है. उतरो. या क्या हुआ?
पता नहीं तेरी दीदी ने क्या देखा उसमें, वो चुम्बू एक नंबर का चूतिया है। ओ वो चूतिया है, राइट, प्लीज प्लीज गो ऑन जीज। चूतिया को चूतिया नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? यू नो एक्चुअली जीज, उस लिस्ट पे आप नंबर वन पे हैं, फ्रैंकली कंसीडरिंग यू कॉल्ड मी हियर एक ऐसी लड़की से मिलने हु इज प्रोबेबली बानीज एज। शी इज नॉट बानीज एज यार, बानी से एक दो साल बड़ी होगी। ओह माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी। यानी कि जब बानी पैदा हुई थी तो आपकी चिकलेट डायपर पहन के चलना सीख रही थी। What was her first few words? Who's your daddy? Yeah, I don't know what her first words were. But when she's with me, her words are pretty much, oh yes, oh yes. Bit too much info, Jeej. Anyway, तू कब से संस्कार झाड़ने लगी? तेरा last husband भी तो तेरे से 12 साल छोटा था। था कि नहीं था? I'm just saying कि ये दीदी की सटक गई होगी जो उसने वो चोबू से शादी की। You know, लोग जब midlife crisis में जाते हैं ना, डिवोर्स ले लेते हैं, सम ऑफ देम जॉगिंग कर लेते हैं, कुछ लोग तो मैराथन भागते हैं, सम गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड सम दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन आपको तो मल्टीपल क्राइसिस हुई है ना? इसलिए मेरे मल्टीपल चल रहे हैं। सौ बात की एक बात यह है कि तेरी बहन की बैक टू स्क्वायर वन आंट वी। मैं यहाँ एक पार्टी छोड़ के यहाँ आई हूँ बिकॉज यू कॉल्ड मी हियर टू मीट समबडी। और क्यों पिचिंग अबाउट माय सिस्टर? आज कौन सा ऐसा स्पेशल पार्टी मिस कर रही है? निकी की होम कमिंग एंड वेलकम पार्टी और आपके बेटे की पहली रक्षाबंधन। निकी की होम कमिंग? When did निकी come home? ओ आपको पता नहीं था? कहाँ है पार्टी? चेरी के घर। हाय निकी। Is he my brother? Yes. Oh my God. How's it work? आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन? दादी। Oh my goodness, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। Hello. Hi Kabir, हमसे भी मिल लो। अम्मा कबीर को ले आओ ना, अभी तो अपनी बहनों से भी अच्छे से नहीं मिला। निकी कम ना। कम, कम, कम। तुमने देखा उसने कबीर को मेरे पास आने भी नहीं दिया, और आने भी क्यों देगी? मैंने उसे हर्ट चुकी है। रिलैक्स पूनम, जस्ट गिव हर सम टाइम एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बैंडी तो कबीर को पूनम से मिलने देना। इट्स ओके। गेम ऑफ थ्रोन्स भी शर्मा जाए। चुपी। नहीं एक्चुअली यार, कबीर अगर बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेरी मम्मी ने मेरे डैड से शादी की, फिर मेरी मम्मी ने तेरे डैड को छोड़ दिया, फिर तेरी मम्मी ने मेरे डैड से शादी की। मिक्स यार। नहीं नहीं, फिर मेरी मम्मी और तेरे डैडी में कुछ हुआ तो तेरी मम्मी ने तेरे डैड को छोड़ दिया। शट अप। सो कूल यार। मिक्स। आर यू डन? थैंक्स आने के लिए यार, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। सच में? बाजी जरूरत थी। ये अंगूठे देने जा रहा है, वो इसे राखी दे रही। मैं एक्चुअली वो पूछ रहा था कि ये राखी सेरेमनी तो खत्म हो चुकी है, फिर ये एक्स्ट्रा राखी किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए मतलब? मुझे कौन राखी बनेगा? तुम? ओके ओके है ना। I don't look at you as my sister. Thank you. Harry, मुझे लगा कि तुम अपने साथ अपनी sister या किसी मुंह बोले बहन को। नहीं नहीं नहीं, Anna मेरी कोई मुंह बेली बहन या sister नहीं है। I'm good. I'm very happy being alone. Yeah. Oh okay. वैसे वो line क्या थी? That you don't look at me as your sister. कहने का मतलब था कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरफ नहीं देखता।
थैंक यू सो मच. दिल